हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन शुक्ला। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए रक्षाबंधन स्पेशल नारियल की बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितना सुंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक चम्मच घी डालूंगी, पैन गर्म हो गया है मेरा। एक चम्मच घी, घी गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालूंगी। ये देखिए, इसका मैंने ब्राउन पार्ट निकाल के इसको ग्रेट कर लिया है, फ्रेश कोकोनट है। अब इसे मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करूंगी, मीडियम स्लो गैस पे। इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब मैं इसमें दो, जो कटोरी से हमने नारियल लिया था उसी से दो कटोरी दूध डालूंगी इसमें। अब इसे दूध सूखने पर अच्छी तरह से हमें पकाना है, पूरा दूध सुखा देना है। देखिए कलर कितना सुंदर हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा पूरा मिल्क रिड्यूस हो गया है। इसे इसी तरह चलाते हुए पूरा खोए के फॉर्म में लाना है। अब इसमें हल्का सा कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। इसे पूरा पानी दूध एकदम सूख के खोए जैसा बना लेना है मुझे। अभी मैं इसे कंटिन्यू स्टर करती रहूंगी। ये देखिए मेरा दूध पूरी तरह से सूख गया है। ये स्टेज पे मुझे इसमें शक्कर डालना है, इसके पहले शक्कर नहीं डालना है जब तक पूरा दूध सूख के अच्छी तरह से खोए के फॉर्म में ना आ जाए। अब इसे मैं धीरे धीरे स्लो गैस पे ही पूरा सुखाते हुए सर्व करती रहूंगी, जिससे हमें ऐसा बहुत ही प्यारा सा कलर मिलेगा। अगर मैं तेज आंच पे कर दूंगी तो वो जल जाएगा सर। तो इसके बाद ध्यान रखिए कि इसे मीडियम स्लो गैस पे ही बनाना है। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी। ये ऑप्शनल है बट आप डालो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप डालिए इसको। अब मैं इसको 5 मिनट तक और ऐसे ही स्टर करूंगी ताकि एकदम बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको स्क्वायर शेप में फैला दिया है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। आप भी इसे अपने मन चाहे शेप में बनाकर अच्छे से ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए, बड़ा ही स्वाद आएगा खाने में आपको, एकदम मिल्क केक जैसी लगेगी आपको। आप ये ट्राई जरूर कीजिए। ये देखिए, हमारी बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे जरूर से बनाइएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।